अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां गुरुवार को दो बदमाशों ने शीतला माता मंदिर जाने के लिए मोहना से एक टैक्सी कार हायर की थी। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर घाटी गांव पहुंचते ही दोनों बदमाशों ने कार ड्राइवर पर कट्टा अड़ा दिया, हाथ पैर बांधे और उसे जंगल में छोड़कर कार लूटकर भाग निकले। बदमाश कार के साथ 25,000 नगद मोबाइल भी लूट ले गए। किसी तरह वह पुलिस तक पहुंचा, इसके बाद नाकाबंदी की गई, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। छानबीन के दौरान शुक्रवार को लुटेरे सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। एक मेडिकल शॉप पर उन्होंने टैक्सी के बारे में पूछताछ की थी। पुलिस फुटेज के आधार पर उन्हें तलाश रही है। मोहना निवासी रामेश्वर खटीक टैक्सी ड्राइवर है। वह मोहना के सरदार ट्रेवल्स की टैक्सी चलाता है। गुरुवार दोपहर दो लड़के आए और शीतला माता मंदिर दर्शन करने जाने का कहकर आर्टिका बुक की। रामेश्वर कार MP07PL0112 लेकर मोहना से रवाना हुआ। एक युवक आगे जबकि एक पीछे बैठा था। कार घाटी गांव स्थित काली माता मंदिर पहुंची, तभी पीछे बैठे बदमाश ने रामेश्वर के गले में रुमाल कस दी। आगे बैठे बदमाश ने कट्टा तान दिया। उन्होंने उसके हाथ पैर बांधे और जंगल में कुछ दूर ले जाकर फेंक दिया। उन्होंने जेब में रखे 25,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। जाते समय उन्होंने उसे 100 रुपए दिए, जिससे वह घर तक पहुंच सके। जैसे तैसे उसने हाथ छुड़ाए और पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में लगातार सर्चिंग की और भनवरपुरा मोहना के साथ ही घाटी गांव पुलिस ने सभी नाकों को सील कर तलाश, लेकिन अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जब मोहना में छानबीन की तो जहां से कार हायर की थी वहां से पास में ही एक मेडिकल स्टोर पर दोनों लुटेरों ने ट्रेवल्स एजेंसी के बारे में पूछताछ की थी। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों के चेहरे रिकॉर्ड हो गए। बदमाशों को पता था कि सरदार ने हाल ही में नई कार खरीदी है। पुलिस को शक है कि बदमाश मुरैना की तरफ कार को जंगल व गांव के रास्ते ले गए हैं। लड़के जो थे वो मोहना क्षेत्र से गाड़ी में बैठे, उन्होंने गाड़ी किराए से की, ग्वालियर जाने की बात कह के, और उसके बाद एक लड़का उसमें फ्रंट सीट पर बैठा था, पीछे एक दूसरा बैठा था, तो उसने रास्ते में उसके पीछे से उसके गर्दन में तौलिया डालकर गाड़ी को रुकवाया, कट्टा डालकर उसको पीछे गाड़ी में बैठाया। उसके बाद में गाड़ी को सुनसान इलाके में लेकर ड्राइवर उतार के गाड़ी और पैसे छीन के भाग लिया।